हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है तुहाडा तुहाडे अपने चैनल MSW स्टडी फॉर जॉब दे विच। अज आपां गल कर रहे हैं रीजनिंग दी, जो अपना फिफ्थ लैक्चर है। ठीक है, तो अज नंबर सीरीज का जो अपना फिफ्थ लैक्चर है। ठीक है, तो देखो अपना ज़्यादा देर ना लाते हुए आप स्टार्ट करते हैं अपना फिफ्थ लैक्चर। जो फर्स्ट अपने को सीरीज है, देखो चेक करो जी। फर्स्ट अपने को टर्म है 5, सैकेंड 12, फिर 26, इस तो अगे कि अपने को 50। तो नैक्सट टर्म कि आएगी जी, देखो सब तो पहले तुम्हें पता है आप पैटर्न पैटर्न की कर देने आप चेक कर देने जी। देखो तो पैटर्न सब तो पहले आप सैकेंड टर्म देखेंगे, ठीक है, फिर आप थर्ड टर्म देखेंगे। तो इस तरह आप करते रहना, देखते रहना टर्म कि आ रही है। ठीक है, तो इतने देखो ये PDF के थोड़ा जा रोंग है, तो इतने की अपने कोल 7 है जी, इतने 5 नहीं है। ठीक है, 7 है। तो देखो पहले तो सैकेंड और थर्ड टर्म के मीनस अगर आप 2 नाल मल्टीप्लाई करते हैं 12 न और प्लस 2 कर दीए तो कि आ रहा अपने को 26। मीनस 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो और प्लस की कर दो 2 कर दो तो 26 आ जाएगा अपने को। इस तरह इतने अपने को है 7, अगर 2 नाल मल्टीप्लाई करते हैं कि आ गया 14, माइनस 2 कर दो कि आ गया 12। मीनस की आ रहा इतों फर्स्ट तो जो सैकेंड टर्म आ रही है वो आ रही है 2 नाल मल्टीप्लाई करो माइनस 2 करो, सैकेंड टर्म आ रही है जी थर्ड टर्म आ रही है वो आ रही है अपने को 2 नाल मल्टीप्लाई करो और प्लस 2 करो। एक बार प्लस करना, एक बार की करना है आप माइनस करना है। तो 26 में जो 2 नाल मल्टीप्लाई करे आप कि आ गया अपने को 52, माइनस 2 50 आ गया। हुण आप की करना है, हुण देखो आप की करना है प्लस, तो 2 नाल मल्टीप्लाई करो 52 नाल मल्टीप्लाई करे अपने को आ गया 100। तो की करेंगे आप नैक्सट टाइम प्लस 2 करेंगे तो कि आ गया अपने को 102 आ गया। प्लस 2 हो रहा, दूसरी बार क्यों हो रहा माइनस 2। ठीक है, इतने जरूर थोड़ा जहा चेंज कर लेना, इतने है अपने को 7। ठीक है जी, हाँ जी, नैक्सट नैक्सट है जो अपने को। ठीक है जी, देखो 4, 12, 6, 18 इतने आप टर्म पता करनी है। नैक्सट टर्म है अपने 27। ठीक है, मीनस सीरीज की हो रही है इनक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, इनक्रीज़ हो रही है। तो देखो जो तुहाडे कोल ए ऑप्शन है वह है 20, बी ऑप्शन है अपने को 21, सी ऑप्शन है 54 एंड डी ऑप्शन है 9। ठीक है जी, तो देखो सब तो पहला की हो रहा है इस दे विच, देखो 4 तो 12 कि बनेगा 3 नाल मल्टीप्लाई करके, फिर कि 12 तो 6 कि बनेगा 2 नाल की करे डिवाइड करे, फिर 3 नाल मल्टीप्लाई है। तो नैक्सट जो आएगा वो की आएगा 2 नाल की कर दो, इसनों डिवाइड कर दो। तो 18 नू 2 नाल डिवाइड करे कि आ गया अपने को 9। तो करैक्ट ऑप्शन आ गई अपने को डी ऑप्शन आ गई 9। ठीक है जी, तो ये अपने को 9 आंसर आ गया। उस तो बाद 9 देखो 9 नू 3 नाल मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा, तो जो 9 आंसर आ गया जी अपने को। हाँ जी, नैक्सट टर्म, हाँ जी, नैक्सट सीरीज है जो अपने को देखो 87, 76, 63 मीनस की हो रही है सीरीज डिक्रीज़ हो रही है। तो इतने जो थोड़ा जहा अपना लास्ट के टर्म फाइंड करनी होंगे थोड़े आसान होंगे है, तो जो अपना थोड़ा जहा विचकार वाली टर्म करनी है तो मीडियम लैवल दे आ जाते क्वेश्चन। ठीक है जी, तो मीडियम लैवल दे देखो सब तो पहला की हो रहा हूँ, देखो इनक्रीज़ हो रही डिक्रीज़ हो रही है, तो सॉरी डिक्रीज़ हो रही है, तो पहला डिफरेंस किन्ने का 11 का, उस तो बाद डिफरेंस किन्ने का चला गया 13 का। अजिंह कुछ अजिंह सीरीज ने जिन्हों पर पिछों भी देखना पैना, लास्ट टर्म के कि डिफरेंस है 13 ऐड हो रहा, देखो 13 ऐड हो रहा, तो हूँ अगे कि ऐड होएगा, पहला 13 माइनस हो रहा है उस तो पिछली टर्म के हो रहा 11, तो इस आप कर देंगे 11 ऐड कर देंगे, 37 के 11 ऐड करा कि आ जाएगा 48 आंसर। मीनस देखो पहला की हो रहा डिक्रीज़ हो रहा, ठीक है, नंबर तो इतने भी डिक्रीज़ होएगा ओबियसली, ठीक है, घटूगा। तो पहला इतने तुम लास्ट से चेक करो कि आ रहा 13 आ रहा, तो इतने भी 13 का डिफरेंस है, फस्ट और लास्ट 13 का डिफरेंस है, तो जो बिच वाली टर्म आनी उन्होंने कि आएगा 11,
इन्हां दे विच ऐड हो जाएगा, जां तुसीं की कह सकदे हो मीनस तुसीं कह सकदे इत्थे आपां 15 माइनस कर दईए जेकर, जां 13 11 ठीक है, पहले 11 है फिर 13 है, तो इत्थे 15 किन्ना आ जाएगा 48 आ जाएगा। जां की करना है आपां लास्ट टर्म चैक करनी है क्योंकि वो 13 वाली है इधर 11 वाली है ठीक है, तो किन्ना आएगा 48 आंसर आएगा। हाँ जी नैक्सट नैक्सट सीरीज आपां चैक करनी है जी, देखो टेन 24 16 68 एंड 120, तो इसका देखो आंसर की आएगा 222 226 124 और 220 16 सॉरी 216, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा जी, तो करो चेक। हाँ जी तो देखो अंदाजा लगाओ ये 8 दे नेड़े आ रहा ठीक है, यह की आ रहा है 27 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ 64 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ 125 ਦੇ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਕਰੈਕਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਊ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ 2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਸੈਵਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ 3 ਕਰ ਦਿਓ, 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 2 ਐਡ ਹੋਇਆ ਫਿਰ 3 ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਈਨਸ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 4 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਈਨਸ 4 ਆ ਗਿਆ, ਸੋਰੀ ਪਲੱਸ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਡ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ, ਤਾਂ 5 ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 5, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਏਗਾ ਜੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਦਾ ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 6 ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਦਾ ਕਿਊਬ 216 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੱਸ 6 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 222, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕਰੈਕਟ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 20 30 43 59 78, ਤਾਂ ਇਸਦਾ 101 102 96 ਔਰ 98 ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ 13 ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ 10 ਦਾ, 10 ਦਾ 13 ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 16 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹੈ ਫਿਰ 13 ਹੈ ਫਿਰ 16 ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 19 ਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਏਗਾ 19 ਪਲੱਸ 3 22 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ, 78 ਔਰ 22 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 100 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿਊਬ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਿਊਬ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, 3 ਦਾ ਕਿਊਬ 27 ਪਲੱਸ 1, 4 ਦਾ ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ 1, 5 ਦਾ ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ 1, 6 ਦਾ ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 217, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9878787 ਠੀਕ ਹੈ 317752, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਐਨਟੀਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਸਟ ਮੰਡੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਟੋਟਲੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਸਿਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। 1 2 5 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ 677, ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਜੋ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 26 67 25 ਔਰ 48,
हाँ जी, इसकी ऑप्शन दसो जल्दी। तो देखो इस दे विच केड़ा पैटर्न बन रहा है, ये विच देखो पैटर्न ये बन रहा है, सैकेंड टर्म चको पहले तो सैकेंड और थर्ड टर्म मीनस की कर रहे हैं अपन वन दी स्केल ठीक है, पहला वन दी टर्म अपन वो वे सैकेंड टर्म आ गई, फिर टू तो केड़ी आ गई थर्ड टर्म आ गई, मीनस की कर टू द स्केयर प्लस वन फाइव आ गया, तो जो नैक्सट टर्म आएगी वो की आएगी अपने को फाइव द स्केयर प्लस वन तो किन्नी आएगी 26। तो उस तो चेक भी कर लो एक बार, 26 का स्केयर करो और प्लस वन करो तो 70 किनी आ जाएगी 77। तो नैक्सट टर्म कि आ रही है अपने को 77, तो इसका करैक्ट आंसर है जो अपने को है 26। हाँ जी नैक्सट नैक्सट जो अपने को आ रही है सीरीज़ देखो जी 4, 0, 4, 18, 48 and 180, तो इसका देखो किड़ा ऑप्शन बन रहा है जी, फोर की आ रहा है, देखो फोर तो एटीन किदा बनेगा, देखो फोर तो एटीन तो देखो अपन की कर दो टू का स्केयर कर दो फोर आ गया, उस तो बाद थ्री का स्केयर कर दो नाइन आ गया, बट कि रहा 18 तो इन किन्ने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन दो ना, तो इसमें कि कर दो वन ना, टू का स्केयर मल्टीप्लाई वन फोर आ जाएगा, थ्री का स्केयर मल्टीप्लाई टू 18 आ जाएगा, उस तो बाद की करना है अपना जो अपनी 48 किदा आएगा, 48 देखो फोर का स्केयर पहले टू ना मल्टीप्लाई करें तो फोर का स्केयर मल्टीप्लाई कि आ जाएगा थ्री, 16 3 ना मल्टीप्लाई करें कि आ जाएगा 48। उस तो बाद नैक्सट टर्म आएगी जी वो कह जाएगी अपने को फाइव का स्केयर मल्टीप्लाई फोर, फाइव से 25 कि आ गया अपने को 100, बी आंसर किया गया करैक्ट आ गया। तो उस तो बाद तुसी चाहे देख लो, उस तो बाद सिक्स का स्केयर कर दो मल्टी चेक भी कर सकते हैं। हाँ जी नैक्सट सीरीज देखो जल्दी 5, 40, 3, 16, 204, 148, 120, 106 तो सीरीज की हो रही है घट रही है जी, मीनस नंबर की हो रहा है लास्ट वाला जो नंबर लास्ट वाला नंबर है वो फर्स्ट वाले नंबर तो छोटा है, तो की हो रही है सीरीज अपनी की हो रही है मीनस डिफरेंस है जो माइनस का आएगा, तो देखो इन डिफरेंस किन्ने का है 224 का डिफरेंस है ठीक है, उस तो बाद डिफरेंस आ गया 112 का मीनस की हो रहा हाफ हो रहा है, इन्होंने डिफरेंस कि आ गया 56 का ठीक है, फिर उस तो बाद डिफरेंस घटता घटता जो अपने को लास्ट तो आ रहा है जी ठीक है, इन्होंने डिफरेंस देखो किन्ने का आ रहा 14 का आ रहा, तो लास्ट तो डिफरेंस कि आ जाएगा अपने को 18 का डिफरेंस है जी, सॉरी 14 का आ रहा, तो 7 का डिफरेंस आ जाएगा लास्ट के उपर, तो 7 का 106 जो 7 माइनस कर दो तो कि आ गया अपने को 99 अपना की आ गया जी करैक्ट आंसर आ गया, मीनस पहले डबल सी ठीक है, फिर हौली लगी घटता घटता डिफरेंस किन्ने आ गया अपने को 7 तो आ गया जी। हाँ जी लास्ट जो अज का सम लास्ट सम देखो चेक करो, सब तो पहले देखो एक बार अपने को 10 आ रहा 18 आ गया 63, 253, 11, 37, 5901 नैक्सट टर्म आप फाइंड करनी है जी लास्ट वाली, तो जो चार ऑप्शन ने इन्हें चेक कर लो एक बार, तो देखो ये किदा का सम बन रहा जी, देखो 10 to 18 किमें बनेगा 10 to 18 किदा बनेगा, जे आप 10 1 नाल मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 2 दी क्यूब कर दिए किन्ना आ गया अपने को 18 ठीक है, उस तो बाद की करता है अपना जो 63 किदा आएगा 18 ठीक है मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 दी क्यूब, पहला 2 दी क्यूब करी सी पहला 1 नाल मल्टीप्लाई फिर 2 नाल फिर 3 नाल मल्टीप्लाई ठीक है, 18 2 ना मल्टीप्लाई करें 36 3 दी क्यूब कि 27 कि बन गया 63, इसी तरह ही
नैक्सट टर्म में जो आप करा 63 ठीक है जी 63 कि मल्टीप्लाई करेंगे आप पहले 2 मल्टीप्लाई करे 18 तो 63 3 मल्टीप्लाई कर दो प्लस 4 द क्यूब ठीक है 63 3 मल्टीप्लाई 9 और 189 प्लस 64 ठीक है तो 253 आ जाएगा। इस तरह हूँ अपने को लास्ट ते की बचेगा 5901 ठीक है जी 5901 कि मल्टीप्लाई करना पेगा अपन 6 मल्टीप्लाई करना पेगा और 7 की क्यूब की करना पेगा ऐड करना पेगा इदा ही मर रही है ना पहला टू आप की करा 2 मल्टीप्लाई करके 3 की क्यूब ऐड करी सी फिर 3 मल्टीप्लाई करके 4 की क्यूब ऐड करी सी तो यही अपने को पैटर्न बन रहा है। तो देखो ये तो आप सीधा आप लास्ट लास्ट टर्म नहीं आप ऐड कर लेने सिंपल लास्ट तो की आएगा 6 आएगा जो 6 में 1 मल्टीप्लाई 7 की 3 हूँ 243 ठीक है लास्ट डिजिट यदा 6 है यदा 43 है तो लास्ट डिजिट 9 की आ रहा अपने को फर्स्ट ऑप्शन का की आ रहा है करैक्ट आंसर है होर किसी डिजिट 9 लास्ट से तो लास्ट डिजिट आप 9 चेक कर लिया तो एको ही सी 9 डिजिट तो यह आ गया करैक्ट आंसर। तो हाँ जी जी होप है तुम्हें जी क्लास अपनी पसंद आई है ठीक है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपना चैनल जरूर करना एंड यू कैन आल्सो ज्वाइन आवर केयर कोर्स। हाँ जी थैंक यू फॉर वाचिंग आवर क्लास ठीक है जी।